आप देख रहे हो मीडिया ग्रुप निशंक के माध्यम से लाइव तस्वीरें। गांव गोविंदगढ़ के प्रगतिशील किसान जितेंद्र सिंह अपने खेत को तप्पड़ में लगाकर सीधी बिजाई तीरी की सीधी बिजाई करने में लगे हुए हैं। किसान सीधी बिजाई से पानी की बचत भी होगी और हम किसान से बात करना चाहेंगे। प्रगतिशील किसान जितेंद्र सिंह अपने खेत में सीधी बिजाई कर रहे हैं और पानी की बचत के लिए किसानों को प्रेरित कर रहे हैं। हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जितेंद्र सिंह जी, आपको कहां से मिली सर ये पानी की बचत करने के लिए सीधी बिजाई के बारे में? हमें 2 साल हो गए जी बिजाई करती। पिछले साल हमने 2 किले बोई थी और पिछले हमने 8 किले सीधी बिजाई की थी। इस बार कितने किले की बिजाई कर रहे हो, कितने एकड़ की? इस बार तो मैं खुद अपनी 30 एकड़ करूंगा जी। और बाकी जो आस पड़ोस के हैं लगभग 300-400 एकड़ हम यहाँ बिजाई करेंगे। हमने नई DSR मशीन और नई कंप्यूटर लेजर लेवलर लेके आए हैं। स्प्रे पंप जो पूरा का पूरा सेट हमने किया है कि किसानों को कोई दिक्कत ना आए। और जो COVID-19 के करके लेबर आने की समस्या है वो लोग परेशान ना हों और लेबर से छुटकारा भी मिलेगा और खर्चा भी किसानों का कम होगा। आप किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं पानी बचत को लेकर सर? हम ये कहते हैं कि DSR पूरी कामयाब है। मेरा पिछले साल दूसरी जो हम कद्दू करके धान लगाते हैं उसे 2 क्विंटल ज़्यादा निकला है। इसमें कोई झाड़ कम नहीं होता। थोड़ी प्रॉब्लम जो ये घास की आती है वो पिछले साल हमने सुक्की बिजाई की थी, इस बार हम इसको 72 में बिजाई कर रहे हैं और इसमें 7 की 7 स्प्रे हो जाएगी जो कि घास की रोकथाम हो जाएगी। जी सर, आप थोड़ा किसानों को रोटावेटर के बारे में जो बताइए जिससे आप सीधी बिजाई के बारे में उनको प्रेरित भी। ये DSR मशीन है जो स्पेशल धान की बिजाई किसी भी बिजाई के लिए बनाई गई है। इसमें अगर आप खाद DAP या सुपर कुछ डालना चाहते हैं वो भी साथ डलता है। और ये सीड जो है जीरी का सीड स्पेशल इसीलिए बनाई है कि आप इसको सीधी बिजाई कर सकें। इसमें कुछ बातें किसानों को ध्यान रखने योग्य है कि जो पिछले साल जो बीज बोया है अगर तो आप वो बीज डाल रहे हैं तो एक ही सिंचाई से काम आपका चल जाएगा जो बोने से पहले। नहीं तो आप पहले इसको खेत को तैयार करें, लेजर लेवलर कराएं, उसके बाद पानी देकर डबल सिंचाई करें कि जो पहले वाला बीज जो पिछले साल अगर आपने PR लगाया है इस बार 1500 नाउन लगा रहे हैं तो वो दोबारा जर्मिनेशन ना हो। और अगर हमने पहले 1500 नाउन लगाया अब PR लगा रहे हैं तो आपस में मिक्सिंग हो जाएगी, इसलिए उसकी डबल सिंचाई करें। और इसकी बिजाई आप 15 मई से लेके पूरा जून का महीना सीधी बिजाई कर सकते हैं जी। और उससे अतिरिक्त कोई इसके बारे में कोई नई तकनीक के बारे में कुछ और जानकारी किसानों को देना चाहते हैं? तकनीक यही है कि जो अलग अलग सिस्टम है दवाइयां जो स्प्रे करनी है वो कोई भी किसान अगर ये जानकारी लेना चाहे तो हम कभी भी हमें फोन करके वो इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमें ये 3रा साल है DSR को। आप कौन से धान के बीज की सब कर रहे हैं? 1509 की कर रहे हैं। 1509। हमारे साथ कुछ और किसान हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। जी सर, अब एक किसान है हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है जी? रणदीप सिंह। हाँ जी, आप क्या बताना चाहोगे किसानों को, कैसे खेत की तैयारी की जाती है पहले धान की सीधी बिजाई से? पहले तो कंप्यूटर गोड़ी से जी बढ़िया खेत बनाकर जी उसके बाद पानी देकर एक बार नहीं तो 2 बार इसको ले देना। उसके बाद जैसे भी बत्तर आए बढ़िया बत्तर में इसको अपना जुताई करके बढ़िया तरीके से इसको सुहागा मार के बढ़िया बनाकर जैसे ये आपके सामने दिखाई दे रहा है कि इसको ड्रिल के साथ बिजाई करनी है जी। जी तो 21 दिन बाद पानी लगाना है जी, बस यही है जी। बढ़िया है। किसान का कहना है कि खेत को पहले तप्पड़ बनाकर अच्छी तरह फिर उसकी बिजाई करे। सरकार कुछ मदद दे रही है? नहीं, सरकार कोई मदद देती है तो। आपने पिछले वर्ष भी ये सीधी बिजाई की थी, उस टाइम आपको कितना फायदा हुआ कितना नुकसान हुआ? फायदा इसमें खर्चा बचा जी, पानी बहुत बचा जी। और पिछले साल हमें थोड़ा प्रॉब्लम घास की आई थी तो हमने सूखे में बिल्कुल बजाई करके पानी दिया था, लेकिन उससे यूनिवर्सिटियों से जैसे हमारी बात हुई वो कहते वो उससे अच्छा ये है कि आप इसको 72 में बोएं और 20-21 दिन पानी ना लगाएं। 21 दिन बाद पानी लगाएंगे और आपके खेतों में घास की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी जी। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार लेबर की कभी कमी है सर, लेबर भी नहीं मिल पाएगी,
इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लेबर ना मिलने की वजह तो है ही है, लेकिन हम तो कोविड 19 के कारण तो काफी लोग इसलिए बिजाई कर रहे हैं कि हमें लेबर नहीं मिलेगी, लेकिन हमने तो पहले ही मन बनाया था कि इस बार हमने DSR से बुआई करनी है, इसके लिए पानी की बचत भी होगी और जो हमारे खर्चे हैं वो भी बचेंगे। पानी की बचत, इसके अलावा आप कौन कौन सी खेती करें जो पानी की बचत के लिए सरकार की तरफ से हिदायत दी गई है? सरकार के तरफ से बहुत हिदायत दी गई थी जी पिछले साल जी। कि मक्की की फसल लगाओ, बीज देंगे, 6,000 रुपए देंगे, ये लगा DSR करो, 5,000 रुपए आपको खाते में डालेंगे, लेकिन ये CM साहब हमारे झूठ बोलते हैं, कोई बात पूरी नहीं करते। पिछले साल ADO ने यहाँ से आके हमारी मक्की चेक कर ली, उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पटवारी ने आके सर्वे कर लिया कि इन्होंने मक्की लगाई हुई है, उसकी कोई भी 1 रुपया भी किसी किसान के खाते में नहीं आया। DSR के बिल ले लिए गए, खाद के, बीज के, दवाई के, टोटल हमने बिल दे दिए कि हमने ये देखो ये खरीदी है, जिस जिन्होंने लगाई थी उन्होंने सभी ने बिल दे दिए, अभी तक किसी के अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया। अब CM साहब कह रहे हैं जी मक्की लगाओ आपको 7,000 रुपए देंगे, जो आपने पिछले तो दिए नहीं अब कहाँ से दोगे? ये तो एक लोगों को बकाने वाली बात CM साहब कर रहे हैं, खुद अपने बयान दे के आप ही उस बात पे पूरे नहीं उतरते। तो हम तो ये कहेंगे कि अगर पहले तो बात किसानों को बकाया ना करो, अगर कहा तो उसको पूरा किया करो जी। आप धान की खेती के अलावा कौन कौन सी खेती कर रहे हो आपने, कितने एकड़ में कर रहे हो आप कितनी? हमने तो आलू के बाद मूंग की फसल लगाई हुई है जी। हम मक्की बोई हुई है, आगे भी मक्की लगानी है। हम सरकार की तरफ नहीं देखते सरकार क्या करेगी, लेकिन सरकार काफी 80% किसान को सरकार को देखते हैं कि सरकार हमें कुछ सुविधा दे और हम उसके हिसाब से चले, लेकिन सरकार को भी या तो कहना नहीं चाहिए, लुभावने वादे करने नहीं चाहिए, अगर करती है तो उससे पूरा उतरना चाहिए। सर आप एक प्रगतिशील किसान भी हम तो ये कहते हैं कि एक जो सोसाइटियां बनाई गाँव में सब्सिडियों पे इन्होंने दिए यंत्र दिए, लेकिन वो किसी काम नहीं आए, ये ऐसे लोगों को देने चाहिए जो उसका यूज कर सके। ये सर आप दिनार कंपनी का लाए हो ये के दोषी किसी और का ये क्या रोटावेटर ये जो नहीं जी, ये सरस्वती का खुद उनको कह के सरस्वती से असन से बनवाई है जी हाँ जी, और खुद खरीद के लाए हैं। अब अगले आने वाले टाइम में इससे भी अच्छी ड्रिले हम बाहर से मंगवा रहे हैं कि किसानों का फायदा हो और DSR की तरफ आए, सभी फसलें एक ही मशीन से बोई जाए जी। ये मैं ये हमारे प्रगतिशील किसान जितेंद्र सिंह गोविंदगढ़ बता दे रहे हो इसके बारे में। ऐसा है जी, मेरा खेत जो रोड के ऊपर है जी, और पिछले साल जब फसल मैंने लगाई थी DSR की थी तो काफी लोग यहाँ निकलते हुए देखते थे और फसल अच्छी हुई, तैयार हुई, कटने के टाइम भी काफी लोग आए, उसको देखते हुए अब डेली मेरे पास कई गांव के लोग, 5-7 हर गांव के आदमी मेरे पास यहाँ फार्म पे आते हैं, उसकी सलाह लेके जाते हैं, और इसीलिए हमने ये सारा DSR और लेजर लेवलर और पंप सारे अवेलेबल करा दिए हैं कि किसी भी किसान ने बिजाई करानी हो तो हमारे से ये चीजें उपलब्ध है, उसको जो भी रेंट होगा रेंट पे भी देंगे, जैसे भी होगा, अगर किसी ने मशीन खरीदनी है तो नई मशीन भी उसको दिलवाएंगे, चाहे हमें पंजाब से मंगवानी पड़े चाहे हमें कहीं बाहर से मंगवानी पड़े। किसानों को इस तरफ रुझान होना चाहिए कि हम DSR डायरेक्ट सीधी बिजाई करके पानी की बचत करें और अपने खर्चे को घटाएं जी सर।